तो हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोमा कैपेनेले और कैसेलिना के बीच खेले जाने वाले दोस्तों आज के ECS रोम T10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों रोम T10 का मैच नंबर 6वां खेला जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे दोस्तों उन सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में लेना है, और बात करेंगे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में करके चलना है दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो, और अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो बिल्कुल भाइयों जाओ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉस एंड लाइनअप के तो अपडेट मिल ही जाते हैं, साथ ही दोस्तों कैसा कॉम्बिनेशन आपको रेडी करना है, कौन से प्लेयर्स को CVC देना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। और कोई नया प्लेयर खेले तो मैं दोस्तों उसके स्टेट्स भी दे दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में है, दोनों जगह दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल का, आप लोग जाओ और फटाफट से ज्वाइन हो जाना। चलिए बात करें मैच के बारे में। तो दोस्तों मैच नंबर 6वां इस रोम T10 का RC और CSAS के बीच खेला जाएगा दोस्तों। 12:45 के बाद 12:45 मैच स्टार्ट होगा, और वेदर की बात करें तो रेन का चांस नहीं है। वेन्यू रहेगा दोस्तों रोमा क्रिकेट ग्राउंड इटली का, और पिच रिपोर्ट एक बैलेंस सरफेस देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। इस वेन्यू पे दोस्तों लास्ट जो 5 मैच खेले गए हैं जिसमें दोस्तों बैटिंग फर्स्ट ने 1 मैच जीता है और बैटिंग सेकंड ने 4 मैच यहाँ पे विन किया है दोस्तों। तो यहाँ पे चेसिंग थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिला कल के मैचेस में, एवरेज स्कोर आपको 80 से 120 के बीच में लगभग देखने को मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। बात करें दोस्तों टीम RC के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम रोमा कैपेलेने की तरफ से ओपन करते हुए दिखेंगे आपको केविन केकुलावा, और उनके साथ दोस्तों एमी गुलम, ठीक है, आप मोस्ट प्रोबली आपको ओपन करते दिखेंगे। केविन का देख सकते हो हर मैच में 1 से 2 ओवर की बॉलिंग, मतलब 2 ओवर की तो बॉलिंग फिक्स मान के चलो, साथ ही ये प्लेयर ना ओपनिंग पे बैटिंग करने आ रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आज के मैच में अगर इसको कैप्टनसी देना चाहो तो बिल्कुल इसको कैप्टनसी दे करके चल सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा केविन, ठीक है। बॉलिंग तो आपको करा करके देगा, और साथ ही डेथ में बॉलिंग कराने के लिए भी आता है ये। एमी गुलम है T10 के अंदर, देखो इनका अच्छा खासा एवरेज है, 14 का एवरेज है, और दोस्तों अभी तक परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक आया है, यहाँ पे 13 यहाँ पे 41 रन की इनिंग। तो बिल्कुल एमी गुलम एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा, लेकर के चलेंगे, टॉप ऑर्डर में बैटिंग है इसका। उसके बाद दोस्तों डैन किरबाई हैं T10 के अंदर, देखो 13 मैच खेला है जिसमें दोस्तों 159 रन है, 13 का एवरेज है, और लास्ट के कुछ मैचेस की बात करें तो 8 और 13 रन की इनिंग आई है, जो कि दोस्तों एक डिसेंट इनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप करना चाहो तो रिस्क लेकर के ड्रॉप कर सकते हो उसके जगह कोई बॉलर को लेकर के, अगर लेना चाहो तो आपकी मर्जी रहेगी दोस्तों, ठीक है। हसन मुडिया से लागे हैं, देखो डोमेस्टिक के अंदर इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड, 1 मैच में 60 रन, 60 का एवरेज, 3 विकेट का रिकॉर्ड रखता है ये, और हर मैच में दोस्तों अभी तक जितना भी खेला जिसमें 2 ओवर की बॉलिंग किया, यहाँ पे 3 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, तो 2 मैच खेल करके टोटल 5 विकेट ले चुका है। प्लेयर काफ़ी शानदार है दोस्तों, वाइस कैप्टनसी देना चाहो तो बिल्कुल अपनी टीम में दे करके चलना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे मिचेले मोरेटिनी T10 के अंदर, इनका भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 13 मैचेस के अंदर 9 विकेट का रिकॉर्ड, और अभी दोस्तों कंटिन्यू 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्लेयर। देखो यहाँ पे विकेटलेस है, यहाँ पे 2 विकेट है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल टीम में लेकर के चल सकते हो, ठीक है। वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी भी ट्राई करके चल सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर इसको। हामिर हमजा ये भी 2 ओवर की बॉलिंग पूरा पूरा कर रहा है, यहाँ पे देखो 12 रन प्लस 1 विकेट, यहाँ पे दोस्तों 1 विकेट 2 ओवर डाल के, तो 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल है दोनों मैचेस में, क्या है इस मैच में भी 2 ओवर की बॉलिंग इसको मिलेगा, तो सीधा सीधा पिक करके चलेंगे इसको भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिंड्रो जयराजा है, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे, और विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे आपको। फर्स्ट मैच में 14 रन की इनिंग, उसके बाद दोस्तों डिड नॉट बैट रहे थे, हालांकि इनका भी ठीक ठाक ही एवरेज है, और विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, अगर अच्छा ऑप्शन आपके पास विकेट कीपिंग में ना हो तो इनको ट्राई करके चल सकते हो। बिलाल खान है, 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स कर रहा है दोस्तों, स्टार्टिंग के ओवर में ऐसे बॉलिंग करता है दोस्तों कि मत पूछो, इंटरनेशनल प्लेयर्स का याद दिला देता है, ठीक है। एक बेहतरीन प्लेयर है, बिल्कुल टीम में लेकर के चलो, कैप्टनसी देना चाहो तो बिल्कुल इसको कैप्टनसी दे करके चल सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा दोस्तों। और आज सामने की टीम थोड़ी वीक है तो ये सबको आउट कर सकता है प्लेयर, उतना रिकॉर्ड रखता है, बेहतरीन बॉलर है टीम में, बिल्कुल ट्राई करके चलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, कैप्टनसी ही दे करके चल सकते हो इसको। उसके बाद दोस्तों नीचे के जो 3 प्लेयर्स हैं इनके चांसेस नहीं है बैटिंग बॉलिंग के, तो इनको तो अभी के लिए आप इग्नोर कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूं इनकी टीम के तरफ से जिनको लेना है आपको, देखो केविन को लेना है, एमी गुलम, और यहाँ पे दोस्तों
हसन मुरियान सिलांगे हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इनको लेकर के चलेंगे। और यहाँ पे दोस्तों मिचले मोरिटिनी हैं, इनको हामी रमज़ा को लेकर के चलेंगे, बिलाल खान को लेकर के चलेंगे। उसके बाद देखो लियांड्रो जयराजा को लेना चाहो तो आपकी मर्जी रहेगी, अगर विकेट कीपिंग में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं रहता। और डेन करवाई, मैं ये दो प्लेयर्स आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लेकर के चल सकते हो, ठीक है। बाकी इनके बेंच प्लेयर में जैसे देख लो एक बार, महबूब अली खेलेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा, सुमेर अली जैसे प्लेयर्स हैं इनके बेंच में, अदनान नियाज जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो ये प्लेयर्स अगर खेलते हैं तो बिल्कुल इन पर ध्यान देकर चलना आप लोग। एक बार आप सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड देख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी प्लेयर से रिलेटेड। बात करें स्टार्टिंग के ओवर की तो बिलाल खान है, मिचले मोरिटिनी हैं जो कि आपको स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते दिखेंगे। यहाँ से डेथ ओवर्स में दोस्तों हसन मुड़िया सिलागे हैं और केविन केकुओलावा हैं, ठीक है, ये दोनों आपको मोस्ट प्रोबेबली डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते दिखेंगे। आगे बात करें दोस्तों टीम CAS के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम CAS की तरफ से ओपन करते दिखेंगे आपको इंडिका सेन और सुदारा, ठीक है, ये दोनों लास्ट मैच में ओपन किए थे। इंडिका सेन तो 2 ओवर की बॉलिंग भी कर रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको तो बिल्कुल टीम में लेकर चलेंगे। बैटिंग से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बॉलिंग से थोड़ा बहुत पॉइंट्स आ जाए तो बात इसकी अलग रहेगी दोस्तों, ठीक है। सुदारा का देख सकते हो लास्ट मैच में 1 ओवर डाला और ओपनिंग पे बैटिंग करने आया था, 1 ही रन पे आउट हुआ, ठीक है, उतना अच्छा खासा बैटिंग लगा नहीं मुझे इसका, ड्रॉप करना चाहो तो लेकर के चल सकते हो। लेकिन दोस्तों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा तो कभी भी अच्छा पॉइंट्स दे करके जा सकता है। शंका अरचा चिंगे हैं, देखो ये भी दोस्तों 6 रन किया, साथ ही 1 ओवर की बॉलिंग किया था, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, ट्राई करना चाहो तो इसको भी अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। इनकी टीम से कम ही प्लेयर लेकर के चलेंगे अपन, ठीक है। थराका पोरुटू टागे हैं, देखो इनका लास्ट मैच में 10 रन की इनिंग है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विकेटलेस रहा था लेकिन 1 ओवर ही बॉलिंग किया था, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। प्लेयर बढ़िया है, ट्राई करके चलना चाहो तो चल सकते हो, क्योंकि देखो 2 ओवर की बॉलिंग भी कर सकता है ये। उसके बाद दोस्तों चंदना मुड़िया से लागे हैं, इनको ड्रॉप करके चल सकते हो आप लोग, उतना अच्छा खासा बॉलिंग नहीं है इसका, साथ ही बैटिंग भी उतना अच्छा खासा नहीं है। नालिन सुबह सिंगे हैं, इनको लेकर के चलो दोस्तों, 1 मैच 22 रन है, 22 का एवरेज है, लास्ट मैच में दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग किया था, तो ये चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बिल्कुल टीम में लेकर के चलना, स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करने आ जाता है दोस्तों। देसन प्रियादर्शन है, ड्रॉप करके चलेंगे यहाँ से इनको। और उसके बाद दोस्तों क्लेविन सेन है, ये डेथ में बॉलिंग किया था 1 ओवर का, तो चाहो तो इसको ट्राई करके चल सकते हो GL के अंदर ही सिर्फ, ठीक है, मैं स्मॉल लीग में तो प्रेफरेंस नहीं दूंगा। उदया है, इनको ड्रॉप करके चलेंगे, और रुवन हेवा है, इनको भी ड्रॉप करके चलेंगे। इनकी टीम से जो अभी के लिए लेने लायक प्लेयर है, देखो इंडिका सेन को लेकर के चलूंगा, और यहाँ पे दोस्तों सुदारा को लेकर के चल सकता हूँ या फिर शंका को, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को बिल्कुल लेकर के चलूंगा मैं, ठीक है। बाकी दोस्तों फाइनल जिसको लेना रहेगा मैं आपको फाइनल टीम में ही बताऊंगा। नालिल सुबह सिंगे हैं, इनको लेकर के चलूंगा मैं यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, ठीक है। कम से कम प्लेयर ही इनकी टीम से लेकर के चलेंगे अपन, बाकी इनके बेंच प्लेयर की देखो एक बार, तो नुअन अरचा चिगे हैं, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रखता है ये। और उसके बाद दोस्तों शुरू हैं, इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक लगा मुझे, तो इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड एक बार देख लो ताकि ये खेलें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं दोस्तों जिनका एक फर्स्ट मैच रहेगा और कई लोग खेले नहीं हैं, इनकी स्टेट्स नहीं है, डोमेस्टिक के भी नहीं है, T20 के भी नहीं है, सारे न्यू प्लेयर्स हैं, तो इनके रिकॉर्ड आप लोग देख लो। जैसे कि देखो यहाँ पे तिनुसा है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, खेलेंगे तो इनको ट्राई करके चलेंगे अपन। बाकी दोस्तों अभी के लिए बात करें स्टार्टिंग के ओवर की, तो इंडिका सेन है, नालिन सुबह सिंगे हैं, डेथ ओवर्स की बात करें तो क्लेविन सेन है और नालिन सुबह सिंगे हैं, आपको डेथ के ओवर्स में बॉलिंग करते दिखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करें एक डेमो टीम की, तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से एल जयराजा को अपनी टीम में बिल्कुल लेकर के चलूँगा, देखो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि देखो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स इनको मिल सकता है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों नाना या करा कोई, तो इनका बैटिंग उतना अच्छा खासा नहीं लगा मुझे, तो मैं इनको प्रिफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बैटिंग सेक्शन में आता हूँ, तो एन सुबह सिंह हैं, एक अच्छा ऑप्शन, इनको लेकर के चलेंगे। और दोस्तों यहाँ से जो आपके लिए ऑप्शन है, देखो कोई अच्छा प्लेयर नहीं है अगर यहाँ से खेलेगा ये प्लेयर, ठीक है, इस पर ध्यान देना, इसरू इडरी पुलगी हैं, ये खेलते हैं तो बिल्कुल इनको लेकर के चलना। बाकी के प्लेयर्स में उतने ज़्यादा पोटेंशियल नहीं लगता मुझे, तो मैं ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाता हूँ। और देखो यहाँ से जो हमें पिक करना है, केकुलावा, इनको लेकर के चलेंगे।
हमजा बी खान को लेकर के चलेंगे, ई गुलम को लेकर के चलेंगे दोस्तों, और हसन मुड़िया सिलागे को लेकर के चलेंगे। एक अच्छा ऑप्शन है, इनको बिल्कुल टीम में ट्राई करके चलना। और यहाँ पे दोस्तों आप ले सकते हो सुधारा को, सुधारा एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे जो कि दोस्तों आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे, साथ ही दोस्तों बॉलिंग भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं ये प्लेयर। अब बॉलिंग सेक्शन में आ जाए तो देखो यहाँ से मोरिटिनी है, इनको तो लेकर के चलेंगे, और आप यहाँ से या इनको ले सकते हो दोस्तों शंका को, अर्चाची के शंका, जो कि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट्स दे सकते हैं, तो इनको लेकर के चलेंगे। तो 10 प्लेयर तो अभी के लिए हो गए दोस्तों मेरे पास, मुझे एक प्लेयर और चाहिए जिसमें मैं इंडिका सेन को प्रीफर कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो मेरी डेमो टीम है इस मैच की, जहाँ पे मैं कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मार्क करके बता रहा हूँ। बी खान है, के कुरावा है, इनको ट्राई करना, मोरेटीनी है, इनको ट्राई करके चलो, और दोस्तों यहाँ से ये हैं मुड़िया सिलांगे, हसन मुड़िया सिलांगे। तो ये 4 प्लेयर जो दिख रहे हैं आपको, इन्हीं में से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करना है, ग्रैंड लीग के अंदर भी, स्मॉल लीग के अंदर भी, ठीक है। बाकी जो मेरी फाइनल टीम रहेगी मैं दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे आफ्टर टॉस, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।